गढ़वा में बीते दिनों हुए हत्या के आरोप में शामिल एक लेडी डॉन समेत 11 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के साथ ही बीते दिनों गढ़वा में हुए दो हत्या का खुलासा भी करते हुए पुलिस ने बताया कि वर्चस्व को लेकर लेडी डॉन सलमा ने मिलकर 11 अपराधियों के साथ हत्याकांड को अंजाम दिया था। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने हथियार, गोली और हत्या में इस्तेमाल बाइक को भी बरामद कर लिया है। जैसे आप लोग जानते हैं कि गढ़वा बस स्टैंड पे कुछ दिन पूर्व गोलीकांड की घटना घटित हुई थी, उसमें जो शैलेश केसरी है उसकी मृत्यु हो गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। तो इसके उद्भेदन हेतु मेरे द्वारा टीम का गठन किया गया था। टीम ने जो है उसमें अनुसंधान किया और इसका उद्भेदन कर लिया गया है। इसके क्रम में ये बात सामने आई कि छोटू रंगसाज गिरोह द्वारा बस स्टैंड पे वर्चस्व निर्माण करने के उद्देश्य से इस घटना को अंजाम दिया गया था। इसमें कुल पुलिस की तरफ से 11 लोगों को जो कि छोटू रंगसाज गिरोह के सदस्य हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है। इन लोगों ने कुछ लोग इसमें रेकी करने में शामिल थे, कुछ लोग इसकी घटना को प्लानिंग करने में शामिल थे, कुछ लोगों द्वारा वित्तीय सहायता मुहैया कराया गया और कुछ लोग जो है वो उनके द्वारा हथियार एवं गोला बारूद की उपलब्धता करा दी गई थी। इसमें अग्रिम अनुसंधान जारी है और बाकी जो इसमें संलिप्त लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु छापेमारी जारी है।